हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एट सरल साइकोलॉजी। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट वैकेंसीज इन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, लाइक वन फ्रॉम दी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड बोथ इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग वैकेंसीज फॉर सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी स्टूडेंट्स। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन विच इज़ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, वेयर 4 सीट्स आर देयर एंड दीज जो सीट्स हैं, ये जो सीट्स हैं फॉर फीमेल कैंडिडेट्स हैं इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, ठीक है। सो जहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म का ओपनिंग डेट है वो 6 जून 2022 है और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का वो 27 जून 2022 है। क्लोजिंग डेट जो डिपॉजिट ऑफ फीस है वो है 27 जून 2020। सो आपको फॉर्म को फिल करने के लिए इस पर्टिकुलर साइट पर जाना होगा और यहाँ पर जाने के बाद एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है और आपको यहाँ पर जो पोस्ट दिख रहा है, लाइक एडवर्टीजमेंट नंबर दिख रहा है, सॉरी, तो यहाँ पर जो आपको पोस्ट दिख रहा है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर फीमेल इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा, तो यहाँ पर जाकर आपको इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करोगे, क्लिक हेयर टू अप्लाई पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती हूँ इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर एडवर्टीजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर 3rd या 4th पोस्ट आपकी होगी, इस पर्टिकुलर पोस्ट के नाम से ही होगी, तो आप वहाँ पर जाकर क्लिक हेयर टू अप्लाई करोगे तो वहाँ से आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सो ओपनिंग डेट आपको मैंने बता दी, डेट ऑफ पब्लिकेशन है 3 जून 2022 और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टेड होंगे 6 जून 2022 और क्लोजिंग डेट है आपका 27, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो भी चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं इंपॉर्टेंट, ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, किसी अदर मीन से आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, और आपको अप्लाई करने के बाद ई एडमिट कार्ड्स दिए जाएंगे, उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा, लाइक उसके बाद इंटरव्यू भी ले सकते हैं या फिर ओनली रिटन टेस्ट भी ले सकते हैं। तो आपको एडमिट कार्ड्स दिए जाएंगे और कोई भी एडमिट कार्ड जो है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू नहीं दिया जाएगा, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो ई एडमिट कार्ड होगा, आपके ईमेल आईडी या फोन नंबर पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो आप अपने वैलिड ईमेल आईडीज ही दीजिएगा, ठीक है। कोई अदर अगर आपको डाउट है तो आप ये नंबर्स पे या फिर ईमेल आईडी पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और या मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी के लिए 2 सीट्स हैं, एससी एसटी के लिए 1, एससी के लिए 1 है, बीसी के लिए 1 है, टोटल 4 सीट्स हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमए आपके पास हो साइकोलॉजी से विद स्पेशलाइजेशन इन चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर मास्टर्स इन चाइल्ड डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट में या फिर फैमिली स्टडीज़ में, ठीक है। विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए, ठीक है। और आपका जो है 10th-12th लेवल पे आपके पास हिंदी या संस्कृत में से कुछ होना चाहिए, मीन्स 10th लेवल पे मैट्रिकुलेशन में, ठीक है। और बाकी एक सेकेंड में जो भी चीज़ें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं इंपॉर्टेंट। आपका जो पे स्केल है वो 9300 से लेके 34800 प्लस आपका जो 4600 ग्रेड पे रहता है वो रहेगा आपका, ठीक है। और FPL जो कि 7th का है रिवाइज्ड पे आपको वो में मिलेगा, ठीक है। ये आपका जो है पूरा इंक्लूडिंग ग्रेड पे इतना रहेगा, ठीक है, आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी में आप अगर इंडियन सिटीज़न हैं, नेपाल से हैं, भूटान से हैं या फिर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट से हैं आप तो 5 ईयर्स का, बैकवर्ड क्लास से हैं तो 5 ईयर्स का, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर देती हूँ आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है, जस्ट अ सेकेंड, एविडेंस आपको जो एज का प्रूफ जो देना है वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मीन्स जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट होगा वही माना जाएगा, तो एज का जो है आपका काउंट एज होगी वो 10th के जो आपका सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग ही होगी, ठीक है। आपको एप्लीकेशन फीस जो जमा करानी है वो है जनरल और अदर जो रिजर्व्ड कैटेगरी नहीं है अदर स्टेट से जो एज जनरल अप्लाई करेगी वो 250 है उनके लिए फीस, फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑफ एससी बीसीए बीसीबी ईएसएम कैटेगरी के लिए जो कि हरियाणा के हैं उनके लिए 250 फीस है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं, ठीक है, उनके लिए निल है, जिनको 40% डिसेबिलिटी है उनके लिए निल है, तो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, सो जो ये रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहता है या डिफेक्टेड रहता है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दिया तो रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। आपको जो भी डिटेल्स हैं लाइक फादर मदर का नाम वो सभी डिटेल्स अपनी प्रॉपर देनी है, लाइक जो प्रूफ के साथ आप दिखा सको आगे चल के, है ना, ठीक है। और आपका अगर कोई मिस्टेक होता है एप्लीकेशन में तो उसके लिए आप खुद एप्लीकेशन हो, ये इन लोगों का कहना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहो कि ये डॉक्यूमेंट्स मुझे लगाने हैं, तो स्कैन कॉपीज़ आपकी जो भी है, फोटो, सिग्नेचर, ठीक है, डिग्रीज, आपका सर्टिफिकेट एस सी एस टी ओ बी सी जो भी आप लगाते हो, पीडब्ल्यू का जो है पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट, ईएसएम के अगर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट, डोमिसाइल हरियाणा के हो तो एनओसी अगर आप ऑलरेडी कहीं पर एम्प्लॉई हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको लगानी है, ठीक है। इसके साथ में और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, जो भी है वो मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है।
सो जस्ट अ सेकेंड, किसी भी कैंडिडेट को जो है एडमिट नहीं किया जाएगा अगर वो एडमिट कार्ड लेके नहीं आते, ठीक है। तो पेपर के लिए आपको एडमिट कार्ड लाना ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने हैं जब आपको मांगा जाए इंटरव्यू के टाइम पे, या जब भी आपको वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको वही डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ठीक है। इसके साथ में विड्रॉल नहीं कर सकते आप एप्लीकेशन को, अगर आपको नहीं जाना है पेपर देने तो आप मत जाइए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप विड्रॉल कर लोगे या तो पैसे वापस मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वैकेंसी जो है वो सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए आई गेस, और साइकोलॉजी के लिए, मुझे वो एक बार बता देती हूँ आपको, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट वाली वैकेंसी के पास, या तो जो वो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बना दूंगी, बिकॉज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्म कर दूंगी, ठीक है। बट सोशियोलॉजी के कैंडिडेट्स उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फॉर डेली आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।